गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, मैं अभिनंदन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच में बात करने वाला हूं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जिसका नाम है C++। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी के लिए मैंने कंटेंट्स को लेकर एक्सप्लेन किया था जिसमें हम लोगों ने यह देखा था कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो जो मेरा लेक्चर 2 आने वाला है, मैं जो अपलोड करना हूँ लेक्चर 2, इसको वॉच करने से पहले आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा और जो लेक्चर 1 है कंटेंट ऑफ C++ उसको सबसे पहले वॉच कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको क्या पता चलेगा कि इस चैनल में क्या क्या अपलोडेड होने वाली कंटेंट्स, क्या क्या पढ़ने को लिए मिलेगा, ये सब सारा कुछ इस चैनल पे जो लेक्चर 1 में दिया बताया गया है उसको जाकर के प्लीज आप जाकर के वॉच कर लीजिए एक बार और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज की क्लास में बात करने वाला हूँ लेक्चर 2 की। किसका बात कर रहा हूँ? लेक्चर 2 की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार का भाषा है। प्रोग्रामिंग एक प्रकार क्या है? भाषा है। हम लोग जिसके सहारे क्या करते हैं कंप्यूटर के बीच में, जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर से कन्वर्सेशन करते हैं। कंप्यूटर से क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं। कन्वर्सेशन करने का अर्थ क्या हुआ? वार्तालाप। क्या हुआ बच्चों? वार्तालाप। यानी ऐसा लैंग्वेज जिसके सहारे, यानी ऐसा लैंग्वेज जिसके सहारे हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। किसका उपयोग करके? एक भाषा का उपयोग करके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। यानी आप सीधे अर्थ में यहाँ पे समझा जाए, बाय डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों के लिखा हुआ है द लैंग्वेज विच इज यूज टू, क्या लिखा है बच्चों? द लैंग्वेज विच इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन। क्या चिंता? लैंग्वेज विच इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन या इनपुट, इनपुट मतलब जो निर्देश देते हैं। द लैंग्वेज विच इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, क्या जी? टू द कंप्यूटर इज नॉन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ मेरा बच्चों, कि जो हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वैसे भाषा जिनका उपयोग करके हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात समझ में आया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। जैसे मैं बात किया जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, C, C++, जावा, पाइथन, बात समझ में आ रही है? जावा स्क्रिप्ट और भी बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज है बच्चों, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब कंप्यूटर को एक प्रकार से निर्देश देते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? मैंने क्या बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में? वैसी भाषा। क्या बोला? वैसे भाषा जिसके सहारे, क्या जिसके सहारे हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर होगा जहां तक उम्मीद करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली तौर पे, कहीं आपको डाउट नहीं रहा होगा। चलिए तो हम लोग डिफिनेशन देख लिए कि द लैंग्वेज विच इज यूज टू, क्या द लैंग्वेज विच इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन या इनपुट टू द कंप्यूटर इज नॉन एज क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट से मैंने कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार क्या बच्चों? कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसका उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं और भी बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स का क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग इन्वेंट करते हैं। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसका प्रोग्रामर या डेवलपर उपयोग करके क्या बनाते हैं? अलग अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन करते हैं। इन्वेंशन मतलब क्या? आविष्कार, या बोल सकते हो मैक्स, या फिर बनाते हैं। जैसे बोल सकते हो आप सी का यूज करके, C#, PHP, .NET, ये सब क्या है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मेरी बातें समझ में आ रही है? जिसको मैंने बाय डेफिनेशन एक्सप्लेन किया बच्चों आप लोग के लिए, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज।
क्या मैंने एक्सप्लेन किया है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, अर्थात कहने का अर्थ यह है मेरा कि एक प्रोग्रामिंग जो भाषा है कंप्यूटर का भाषा है। प्रोग्रामिंग जो भाषा होता है क्या होता है, कंप्यूटर का भाषा होता है जिसका उपयोग करके, दैट इज यूज्ड फॉर, जिसका उपयोग करके डेवलपर या प्रोग्रामर, डेवलपर या क्या बोल सकते हो प्रोग्रामर, क्या करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट मतलब क्या चीज बच्चों, वार्तालाप, क्या चीज करता है वार्तालाप करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्रोग्रामर किसको बोलते हैं जी, या डेवलपर किसको बोलते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है, क्या चीज, जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रामर। अर्थात प्रोग्रामर को ऐसे बोल सकते हो आप बाय लैंग्वेज, द पर्सन हु मेक्स द प्रोग्राम। क्या बोलोगे बच्चों, द पर्सन हु मेक्स द प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम बनाने का काम करता है, जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है उसी को बोलते हैं प्रोग्रामर, या बोल सकते हो डेवलपर। डेवलपर जो एक सॉफ्टवेयर को इन्वेंट करता है, बनाता है कंप्यूटर को निर्देश दे दे करके, उसी को क्या बोलते हैं, डेवलपर बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो आप प्रोग्रामर। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे एकदम स्लो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया बच्चों, जिससे आपको क्लियरली फाइल हो सके, आप आसानी से समझ सके। तो मैंने एक डिफिनेशन लिखा था आप लोगों के लिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका उपयोग करके प्रोग्रामर या फिर डेवलपर, प्रोग्रामर या फिर कौन डेवलपर क्या करता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बनाता है। बात समझ में आया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके, जैसे एक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है मेरा कि हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग कर, क्या चीज, प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग कर अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बात समझ में आ रहा है, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एक वेबसाइट को जो डिजाइनिंग करते हैं वहां पे भी जो यूज करते हैं, जो बच्चों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे समझ में आ रही होगी मेरी बातें, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्लियरली तौर पे, खास तौर पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा हमको बच्चों। तो यहाँ पे समझे कि एक प्रकार का, एक क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका डेवलपर या प्रोग्रामर उपयोग कर क्या करता है, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और बोल सकते हो क्या चीज, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को क्या करता है, बनाने का काम करता है। देखिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार का भाषा तो है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, सिंबोलिक सारा का यूज करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने का जो काम करते हैं उसी को भी बोलते हैं क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसका अंडरस्टैंडेबल होता है जी, सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिस्टम के लिए। जो लैंग्वेज, जैसे मशीन लैंग्वेज बात करें तो मशीन लैंग्वेज किसके अंडरस्टैंडेबल है, सिस्टम का। बट जैसे जैसे टाइम आते गया वैसे वैसे न्यू लैंग्वेजेस आए जो यूजर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए बहुत ही सुलभ है। मतलब सुलभता मतलब क्या चीज, आसानी हुआ समझने में, दोनों में जो कम्युनिकेशन करने की तीव्रता प्रदान किया। जैसे बात किया जाए इसमें तो मशीन के बाद कौन सा आता है, असेंबली लैंग्वेज आया। बात समझ में आ रहा, सारा कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ। मशीन लैंग्वेज के बाद कौन सा आया, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बाद और भी बहुत सारे लैंग्वेज आई है, कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, और भी बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज है जो कि क्या काम करने का काम किया, एक यूजर और सिस्टम के बीच में, क्या चाहिए, एक यूजर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बनवाने का काम किया है। मतलब आसानी तौर पे समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में, वेब डेवलपमेंट में, जैसे हम लोग HTML का यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, CSS, JavaScript, Bootstrap, ये सब क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उम्मीद करते हैं आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। आज के करेंट टाइम में, प्रीवियसली के करेंट टाइम में, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किए हैं, जिनको एक अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मेनली करेंट टाइम मतलब खासतौर पे अभी के समय में यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब अभी के समय में हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। जैसे पहला बात किया गया इसमें तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला कौन सा है? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल मतलब क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। प्रोसीड्यूरल के अंदर जो लैंग्वेज आई, जिसमें मैं बात करूंगा, फोर्ट्रेन आया, पास्कल आया। फोर्ट्रेन के बाद क्या है? पास्कल। पास्कल के बाद कोबोल, बेसिक, एल्गोल, सी। बातें समझ में आ रही है? ये सब क्या है? एक प्रकार का प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। बात समझ में आ रही है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज था जिसमें एरर डिटेक्ट करने में बहुत ही हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी एरर को डिटेक्ट करना। बात समझ में आ रही है? इसके बाद नेक्स्ट जो आया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा बोल सकते हैं इसको? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए बच्चों, मैंने अपने कैटेगराइज किया है ताकि आपको समझ में आ सके। पहला है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैंने लिया है स्काला। क्या है स्काला? SCALA। स्काला क्या है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं जावास्क्रिप्ट का। किसके बारे में बात करूं? जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट भी क्या है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं हैस्कल। क्या जी? हैस्कल, ML, पाइथन, ये सब क्या है? एक प्रकार का फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर नहीं समझ रहा तो मैं फिर से बात बताया, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्काला आता है, जावास्क्रिप्ट, हैस्कल, ML, पाइथन। कोई डाउट नहीं रहने वाला है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, स्क्रिप्टिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, और एक और जो होता है लॉजिकल, क्या होता है लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं सारा आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको किस तरह का कोई डाउट रहने वाला नहीं है, बिल्कुल निफिक्र रहिएगा बच्चों। आप मेरे साथ एकदम बेसिक से एडवांस के लिए सीखिएगा, आपको किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहने वाला है। मैं पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हूं कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है, यहां पे जो आपको मिलेगा थ्योरी, प्रैक्टिकल, MCQ, प्रोजेक्ट, साथ ही साथ जो भी बच्चे अगर NIT में एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए एक स्पेशल समय पे एक स्पेशल जो वीडियो होगा प्लेलिस्ट में क्रिएट करने के बाद, आपको वहां पे जो भी प्रीवियस एग्जाम हुई है उसका यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा मेरे जो वीडियोज हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग में आपका आता है बच्चों PHP, jQuery, JavaScript, ये सब कैसा लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML, CSS, बातें समझ में आ रही है? HTML, CSS, ये सब कैसा लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है बच्चों। अगर डाउट होगा तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आपका इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं करेंट टाइम में, फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मैं बोला हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, एक एक कंटेंट्स को बहुत इजी वे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आपको कहीं भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर C++, जावा, पाइथन, बातें समझ में आ रही है? ये सब क्या है?
और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, ये सब एक प्रकार का बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर एक और है आपका एआई, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बातें समझ में आ रही है? ये सब क्या एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए आई होप, उम्मीद करते हैं कि मैं जो आप लोगों को समझाने का प्रयास किया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको मैंने कुछ समय पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी प्रोग्रामिंग का जो कोडिंग वगैरह होगा सारा कुछ मिलेगा आपको, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एकदम बेसिक टू एडवांस आपको मिलने वाला है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, बात समझ में आ रही है? एमसीक्यू के बाद प्रोजेक्ट वर्क, आपको किस तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।